गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पे बच्चों हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही फॉर्मेटिव वे में चीज़ों को समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास सेवेंथ में, जहाँ पे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। सो हमने ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल से ये चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम लेक्चर फोर तक आ गए हैं, जहाँ पे हमने स्टार्ट करना है अपना अपना चैप्टर का दूसरा फेज, यानी कि हम जाएंगे अपने सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो कि हमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स को किस तरीके से ये एरिया डिफाइन करता है, एंड वी विल सी कि वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, किस टाइप की वहाँ पे वेजिटेशन है, क्रॉप्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। तो आई होप संडे सैटरडे को जो हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया होगा। खेलना कूदना बच्चों बहुत ज़रूरी होता है, वो तो कभी स्किप करना ही नहीं चाहिए, बट पढ़ना भी ना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, राइट? सो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा रिविजन भी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद माई क्विक इंट्रोडक्शन, दैट इज दिस इज़ मी रीमा शील एंड आई एम योर सोशल साइंस टीचर ऑन डाउटनट। बच्चो, आई एम हेयर टू गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर डाउट्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इस चैप्टर में समझ नहीं आ रही, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? आई विल लेट यू नो द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो हमने प्रीवियसली बच्चों क्या किया था, वी हैव सीन अमेजॉन रिवर, हमने देखा था अमेजॉन रिवर क्या है, हमने देखा था इसको इक्वेटोरियल रीजन क्यों कहते हैं। ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि अर्थ है, अर्थ में हमारा जो अर्थ है वो दो चीज़ों पर डिवाइडेड है एंड द मिडल लाइन इज़ कॉल्ड द इक्वेटर एंड दिस इज ऑफ 0 डिग्री, ठीक है बच्चों? ये अमेजॉन रिवर जो है इसी रीजन से फ्लो करती है, इसलिए यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं उसको इक्वेटोरियल रीजन का नाम दिया गया है, ठीक है बच्चों? सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिवर्स माउथ, अब इसको रिवर्स माउथ भी बोला जाता है, वो क्यों? क्योंकि इस रिवर में, इस मेन अमेजॉन रिवर में बहुत सारी और नदियाँ फ्लो करती हैं, ठीक है, अपने आप को ड्रेन आउट करते हैं, इसी वजह से सारी रिवर्स का पानी लेके ये आगे अटलांटिक ओशन में जाके अपने आप को ड्रेन आउट करते हैं, इसीलिए इसको रिवर्स माउथ बोला जाता है, क्योंकि सभी नदियाँ इसके अंदर हैं। ओके, इसके बाद जो हम आज करने वाले हैं, दैट इज़ लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कुछ फैक्ट्स, स्लैश और बर्न के कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ये एक चीज़ आपके टॉप आपके ही उसमें दे रखा है, ठीक है, स्लैश एंड बर्न। तो स्लैश एंड बर्न क्या होता है, स्लैश एंड बर्न क्या होता है वो हम देखेंगे। हम देखेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कैसी लाइफ है, लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का कल्टीवेशन प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ओके, सो उसके बाद लास्ट में वी हैव द क्विज, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। वी विल मूव ऑन टू द लाइफ इन द गंगा, लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन हम देख चुके हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लैश एंड बर्न बच्चों एक छोटा सा टॉपिक था आपकी बुक में, ये क्या है, स्लैश एंड बर्न इज़ द वे ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड। ये बच्चों क्या है, वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग। अब जैसे ये एरियाज है, ये इस एरिया को क्लियर करके, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्निक ऐसी होती है कि इस एरिया को क्लियर करके यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ओके, सो यहाँ पे उसको उसमें ना आग लगा दी जाती है, ठीक है, उसको स्लैशेस में, जब वो एशेस में चेंज हो जाता है, उसको एशेस को सॉइल में चेंज, उस ऐसा माना जाता है कि उनके एशेस से ना सॉइल को दोबारा फर्टाइल करने का उसमें न्यूट्रिएंट होता है। ओके, सो दे आर बर्नड विच रिलीज द न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल। अब सॉइल में एक टाइप का न्यूट्रिएंट मिल जाता है। नाउ क्रॉप्स आर ग्रोन दिस इन दिस क्लियर फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, उसके बाद वहाँ पे दोबारा खेती करी जाती है। ये एक तरीके का सॉइल को फर्टाइल करने का एक जरिया है। ओके, आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड, उस लैंड को हम बार बार रिपीटेडली यूज़ करते हैं, द सॉइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट्स। जब हम एक ही ज़मीन पे बार 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 खेती करते रहते हैं, तो बच्चों एक तरीके से जो उसकी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके, सो इट इज़ एबॉन्डेंट, ये
ये अब इस तरीके का सिस्टम इस तरीके यहाँ पे जो मल्टी क्रॉपिंग करते हैं एक ही लैंड पे, वो अब नहीं करी जाती। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड टू प्लांट। अब क्या करते हैं, उसके बाद जब ये ख़त्म हो गया, दूसरे लैंड को क्लियर किया जाता है, वहाँ पे पूरा बर्न किया जाता है, ठीक है। इन द मीन टाइम यंग ट्रीज ग्रो इन द ओल्ड फील्ड। इसके अब यहाँ पे छोटे छोटे पहले पेड़ लगाए जाते हैं, उसके बाद जब ये फर्टाइल हो जाती है सॉइल, उसके बाद उसको रिस्टोर करके यहाँ पे कल्टिवेशन किया जाता है, उसके दोबारा कल्टिवेट किया जाता है। तो एक तरीके की दूसरी टेक्निक है कि एशेस के थ्रू भी सॉइल को क्या कर रहे हैं, सॉइल को फर्टाइल करके वहाँ पे क्रॉपिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये था हमारे अमेज़ॉन में कुछ इस टाइप की टेक्निक यूज़ करी जाती है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे बच्चों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या देखेंगे कि दो मेन नदियां हैं, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ये मिलके अपना एक बेसिन बनाती है, ठीक है। बेसिन आपको पता है बेसिन क्या होता है, बहुत सारी मेन मेन दो मेन रिवर्स में जब बहुत सारी रिवर्स अपने आप को ड्रेन आउट करती हैं, दे आर कॉल्ड द बेसिन। यहाँ पे एक गंगा है, ये गंगा रिवर, दिस इज द गंगा रिवर, और इस साइड से फ्लो करती हुई आती है ब्रह्मपुत्र, ओके। ये दो मेन रिवर्स यहाँ पे मीट करती है, ओके, दे मीट देयर, और उसके बाद आगे जाके अपने आप को ड्रेन आउट करती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, जैसे कि अमेजॉन मिलती थी अटलांटिक ओशन में, ओके। सो ये एक हमारा आप कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इस तरीके से हमारा बनता है। अब ये इतना एरियाज बच्चों गंगा कवर करता है, इतना एरियाज हमारा ब्रह्मपुत्र कवर करता है, राइट। ये दो एरियाज हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पार्ट्स हैं। अब इसके बारे में आगे जानेंगे। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दोनों मेन नदियां मिलके इस साइड से हमारी गंगा आ रही है, उस साइड से पूरे इवॉल्व होते हुए हमारी ब्रह्मपुत्र आ रही है, दो मेन नदियां मिलके अपना एक बेसिन क्रिएट करते हैं, ओके। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब बच्चों ट्राइब्यूटरीज क्या है, ट्राइब्यूटरीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, मैप में देखेंगे आप, देखेंगे ये जो गंगा नदी आ रही है, आप देखेंगे ये जो मेन हमारी रिवर आ रही है गंगा, इसके पास बहुत सारी और रिवर्स इसके अंदर मिक्स हो रही हैं, ठीक है। ये जो और नदियाँ मिक्स हो रही हैं, यही हमारी होती हैं ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। इन नदियों के भी अलग से नाम है, आप सिर्फ इतना जानिए कि इनको ट्राइब्यूटरीज कहते हैं, अभी मैं नाम आपको बताऊंगी। जैसे उसी तरीके से जैसे ब्रह्मपुत्र आ रही है इस साइड से, यहाँ पे और नदियाँ इनमें मिल जाती हैं, ओके। तो ये भी इनकी क्या हुई, ये ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज हुई, ओके। नाउ वी विल सी द ट्राइब्यूटरीज। सो द ट्राइब्यूटरीज, अगर आपसे पूछे कि वॉट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो आप सिंपली आंसर करेंगे द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये दोनों मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना बेसिन क्रिएट करती हैं, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वॉट आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे आपके सामने क्वेश्चन आए कि भैया चलिए आपने ट्राइब्यूटरी बता दिया, अब बताइए गंगा में कौन कौन सी और नदियाँ मिल जाती हैं, तो उसका भी आंसर हमारे पास होना चाहिए। द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा इज घाघरा, सन, चंबल, गंडक एंड कोसी, एंड ब्रह्मपुत्र इटसेल्फ ड्रेन इन टू इट। अब भैया ड्रेन तो ब्रह्मपुत्र भी कर रही है गंगा में अपने आप को, तो इसलिए ब्रह्मपुत्र खुद एक ट्राइब्यूटरी हो गई, प्लस इसके साथ ही घाघरा, सन, चंबल, गंडक, कोसी, इसमें से कुछ मेन मेन नाम जैसे गंडक, कोसी, चंबल, ये सारे मेन मेन नाम, तो आप इनको नाम इनके नाम याद कर सकते हैं, ओके। वहीं अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र के ट्राइब्यूटरीज, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी और छोटी रिवर्स मिल जाती हैं, तो आप कहेंगे तीस्ता, लोहित, दनबा एंड मानस, ठीक है। ये कुछ मेन नदियाँ हैं, इसके अलावा एक और नदी है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। सो ये वो नदियाँ हैं जो ट्रिब्यूट देती हैं किसको, मेन नदी को, दैट इज ब्रह्मपुत्र, ओके। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। गंगा के कौन कौन से हैं बच्चों, गंडक, कोसी, चंबल, ओके, एंड घाघरा, सन, जो भी आप नाम याद करना चाहें, 2, 3, ओके। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र के कौन से हैं, इट इज तीस्ता, लोहित, दनाब, मानस, ठीक है। मानस इजी नाम है, सब लोगों के नाम जैसे होते हैं। अब यहाँ पे हम मैप वाइज देखेंगे किस तरीके से ट्राइब्यूटरीज आती हैं। ये हमारी इस ये साइड पर फ्लो हो रही है हमारी गंगा, ओके। अब दूसरे कलर से बच्चों हम मार्क करेंगे, ओके।
अब ये गंगा तो हमारी रेड में हो गई, अब इसकी देखते हैं ट्राइबेट्रीज। ये हमारी आ रही है चंबल, ये गंगा में मिल गई। अब इसी तरीके से आप घाघरा देखेंगे, घाघरा भी मिल गई। इस तरीके से गंडक भी देखेंगे, गंडक में मिल गई। इसी तरीके से कोसी भी हमारी, सब सन भी हमारी साइड से आ रही है। तो ये यानी कि ये हो गई हमारी ट्राइब्यूट्रीज। ओके, ये हमारी ट्राइब्यूट्रीज क्रिएट हो रही है। ओके, अब इसी तरीके से हम जब गंगा ब्रह्मपुत्र का देखते हैं तो देखेंगे, देखिए एक नदी आ रही है सबनसरी, ये ब्रह्मपुत्र में मिली। लोहित इस तरीके से ब्रह्मपुत्र में मिली। सूरमा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नदी। तीस्ता, ये हमारी सारी ट्राइब्यूट्री हो गई ब्रह्मपुत्र की। चलिए अब रेड से एक बार ब्रह्मपुत्र को मार्क कर लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्र पूरी इस साइड से इवॉल्व होती हुई इस पॉइंट पे गंगा से मिलती है। ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे दोनों बड़ी बड़ी नदियाँ आपस में मिल रही हैं। आप देखिए येलो कलर से आपको दिख रहा होगा इस पोर्शन में कितनी सारी नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र में मिक्स हो रही हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं कितनी सारी येलो कलर वाली जो नदियाँ हैं वो मिक्स हो रही हैं गंगा के अंदर। सो दीज आर कॉल्ड दी ट्राइब्यूट्रीज। ठीक है, यही हमारी ट्राइब्यूट्रीज कहलाती हैं। ये हैं गंगा की और इस साइड में हमने देखा ब्रह्मपुत्र की। ओके, ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको याद रखना है 101% आपके एग्जाम में, ये शॉर्ट मार्क्स में, फिलिंदा ब्लैंक्स में, किसी भी तरीके से आपके पास ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। अब एक मास्टर इन्फॉर्मेशन, हमने एक नदी यहाँ पे देखी है सुबनसरी, दिख रही है बच्चों ये नदी। सबनसरी नदी के बारे में कुछ खासियत है, देखते हैं क्या क्या कहती है सबनसरी रिवर हमारी। सबनसरी रिवर इज द राइट नॉर्दर्न बैंक ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। एक तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबनसरी ब्रह्मपुत्र की सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है, यानी कि सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की सबनसरी है। ठीक है, सबनसरी के बारे में कुछ और खास खास बातें हैं। द नेम सबनसरी ओरिजिनेट फ्रॉम द फैक्ट दिस रिवर वॉज अ पोटेंशियल साइट फॉर गोल्ड माइनिंग इन द पास्ट। पास्ट में यानी कि हिस्ट्री बताती है कि इसी नदी के पास बहुत सारी गोल्ड माइंस मिली थी, यानी कि जमीन के नीचे से सोना मिला था, इसी वजह से ये नदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, एक हो गई सबनसरी के बारे में। दूसरी चीज़ हमारी क्या कहती है, द घाघरा करनाली इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय डिस्चार्ज। ठीक है, और जो घाघरा हमने देखी थी, घाघरा देखते हैं कहाँ पे, ये घाघरा आ रही है। ये जो घाघरा है ये भी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है गंगा की, जैसे कि सबनसरी ब्रह्मपुत्र की है, गंगा की है घाघरा। ओके, ये दो नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। आपको एक तरीके से मास्टर इन्फॉर्मेशन में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। तो दिस इज़ योर जीके पोर्शन। एसएसटी सब कुछ कवर करता है बच्चों, जीके भी कवर करता है, सोशल स्टडीज़ भी कवर करता है, हिस्ट्री पास सब कुछ कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका जीके हो गया। अब बेनिफिट्स क्या है बच्चों इस ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या होंगे इस रिवर्स के। जब मैंने आपको बताया था माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से हमारी नदी बहते हुए नीचे आती है। यहाँ पे इन माउंटेन्स में बच्चों बहुत ही रिच सॉइल होती है, ठीक है, और जब बह के ये नीचे प्लेन एरियाज में आती हैं तो वहाँ उस मिट्टी को अपने साथ ले आती है और प्लेन एरियाज में छोड़ देती हैं। यानी कि ऑब्वियसली बह के आगे तो नहीं जा सकता, यहाँ से तो स्लांट है तो एकदम से नीचे उतर जाएगी, लेकिन प्लेन एरियाज में आके ये वहीं पे रिवर, यहाँ पे जो सॉइल है ये रुक जाती है। और इन जगहों को मिट्टी की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाती है। ओके, अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज़ बाय सॉइल एंड रॉक्स। जितने भी प्लेन एरियाज आते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के, वो एक अनोखे पत्थर वहाँ पे पाए जाते हैं, प्लस मिट्टी वहाँ की बहुत अच्छी होती है, सॉइल एंड रॉक्स दोनों ही वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स आर ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस। यहाँ के माउंटेन्स वगैरह जो भी डिफरेंट वेरिएशन के होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, यहाँ की जो लैंड होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स ग्लेशियर्स रिवर्स आर पेरिनियल। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे पेरिनियल वाटर होता है। कैसे बच्चों, ये जो माउंटेन्स है ना, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी स्नो है, स्नो हैं, ग्लेशियर्स हैं हमारे, ठीक है। अब ये यहाँ पे इन नदियों में पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये स्नो और ग्लेशियर्स क्या है, ये पिघल के पानी की तरह नीचे उतरते हैं, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है।
अब हमारे जो ग्लेशियर है बहुत सारे हैं, तो वो कैसे किस तरीके से खत्म हो जाएंगे, इसलिए इन नदियों में पानी कभी खत्म नहीं होता, दे आर कॉल्ड पेरेनियल। तो पेरेनियल वर्ड का मीनिंग आपने 6th में सुना होगा, पेरेनियल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पेरेनियल रिवर्स वो होते हैं जिसमें पानी कभी खत्म ना हो, ठीक है। सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर दी पेरेनियल रिवर्स। अब यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स क्रिएट होती हैं। अब एक बार तो ऑक्सबो लेक्स मैंने कि हालांकि आपको समझाया है कि ऑक्सबो लेक क्या होती है, मियांडर क्या होते हैं, ये हमने समझाया है, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं। पहाड़ों से, पिक्चर को मत देखिएगा, पहाड़ों से पानी नीचे की तरफ आया, ठीक है। जब नीचे की तरफ आ रहा है पहाड़ों से तो वो स्पीड में आएगा, लेकिन जैसे ही पानी प्लेन एरियाज में आया तो इस टाइप के मियंडर यानी कि गोल गोल घूम जाता है, ठीक है। इस टाइप से देखिए, गोल गोल घूम गया ना पानी, अब पानी तो स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं जाएगा, पानी तो ऑब्वियसली गोल गोल घूम जाएगा। अब जब गोल गोल घूम गया वो, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मियंडर्स, ओके। ये तो हमारा मियंडर हो गया। अब क्या होता है बच्चों, अब पानी यहाँ पे समझ लो ओवरफ्लो हो गया, पानी अपने एक ही रास्ते से नहीं जाएगा, ठीक है। पानी अपना रास्ता चेंज भी कर सकता है, तो समझ लीजिए वो इतना हिस्सा उसने काट दिया और पानी अब यहाँ से ओवरफ्लो होने लगा, ठीक है। तो इतना जो लूप बना, जैसे कि पानी यहाँ से ओवरफ्लो होने लगा और इतना हिस्सा वहीं रह गया। अब यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पे पानी की वजह से गड्ढे हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ पे पानी जमा रह गया, इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। यहाँ पे कुंड टाइप का, लेक टाइप का बन जाता है और इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो अब आपको पता है ऑक्सबो लेक क्या है, मैं आगे आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें आपको ऑक्सबो लेक के बारे में पूरा क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑक्सबो लेक, राइट। अब प्लेन, इन प्लेन एरियाज में ऑक्सबो लेक बहुत पाई जाती हैं। द एरियाज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास जो भी प्लेन एरियाज होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो मानसून का होता है, यानी बारिश वाला मौसम हमेशा रहता है, ठीक है। द मानसून ब्रिंग रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। इस समय में सबसे ज़्यादा वहाँ पे बारिश का मौसम होता है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे भी मानसून आता है, इन दिल्ली ऑल्सो। द समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर कूल, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो अगर हम अमेजोन से कंपेयर करें तो अमेजोन में क्या था, पूरे पूरे आप कहेंगे पूरे साल वहाँ पे या तो मानसून बारिश होती थी, ठीक है, पूरे साल वहाँ पे हॉट एंड वेट का क्लाइमेट रहता था। पर अगर आप वहीं आप सब ट्रॉपिकल रीजन में जाएं, जैसे कि आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पास का एरिया देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे हैं, राइट। सो दिस इज द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ दीज रिवर्स, ओके। हमने ऑक्सबो लेक के बारे में देख लिया, अगर नहीं समझ आया हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। अब आते हैं स्पेशलिटी। अब बच्चों इस रेंज की, इस जगह की स्पेशलिटी क्या है, क्या खासियत क्या है। हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फ्यूचर। अब ये बच्चों सुंदरबन डेल्टा क्या है, यहाँ से हमारी इस साइड से हमने देखा गंगा आती है, ठीक है, और वहीं उस साइड से हमारी घूम के ब्रह्मपुत्र आती है और ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये दो मेन रिवर्स का, ठीक है, दोनों मेन रिवर्स यहाँ पे मीट करती हैं, यानी मिलती हैं। टू मेन रिवर्स मीट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड दी सुंदरबन डेल्टा, ओके जी। इस पॉइंट को हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा आपका कहलाता है, इट इज अ लार्जेस्ट डेल्टा। नाउ आई विल रीड सम लाइन्स एंड यू विल अंडरस्टैंड। द गेंजेस ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसको गेंजेस ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नेम्ड गेंजेस डेल्टा, इसको गेंजेस डेल्टा भी कहते हैं, इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, प्लस इसको बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। बंगाल डेल्टा क्यों कहते हैं बच्चों, नीचे है ना बे ऑफ बंगाल, ये डेल्टा के बाद तो पूरा हमारा ओशियन आ जाता है बे ऑफ बंगाल का, इसलिए इसको बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है, ओके। सो इज सिचुएटेड इन द एशिया वेयर द गेंजेस यानी कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्चार्ज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये वो बंगाल डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या फिर गेंजेस डेल्टा, ये तीन नाम होते हैं इस डेल्टा के। अब डेल्टा क्या होता है ये भी आपको पता है कि डेल्टा वो पॉइंट है जहाँ पे रिवर्स मीट करती हैं, ओके, और उसके बाद ओशियन में ड्रेन आउट हो जाती हैं। तो ये इस डेल्टा के तीन नाम हो गए, ठीक है, और ये वो पॉइंट होता है जिसके बाद, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र मिलते हैं प्लस उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट होते हैं। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस बेसिन, ठीक है। इस बेसिन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है। तो सुंदरबन के बारे में आपके आपके क्लास में, आपके उसमें जीके में भी क्वेश्चन ज़रूर पुटअप हो सकता है, तो दिस इज़ योर एक्स्ट्रा नॉलेज, ओके। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, क्या है वो, द ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं,
वेराइटीज ऑफ नेम्स, ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। एक सबसे जो तिब्बत में इसका नाम फेमस है, जिससे हम जानते हैं, क्योंकि ये इस साइड से इस तरीके से इवॉल्व होती हुई आती है और मीट करती है, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत में इसका जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड तसंगपो। क्या नाम है? तसंगपो। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ प्रोनंसिएशन है। सो इन तिब्बत इट वॉज कॉल्ड एज तसंगपो। वहीं सियांग और धियांग, ठीक है, दोनों भाई भाई टाइप के नाम है ना, इन नामों से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है इसी रिवर को। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो हम नॉर्मली जानते हैं, पर उसके कुछ फीचर्स के बारे में भी हमें जानना होगा, ठीक है। तो आपके बुक में ये दिया हुआ है कि उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड तसंगपो। आप सिर्फ तसंगपो लिखिएगा, आपको यारलुंग नीने के नाम की जरूरत नहीं है, दिस इज द मेन नेम तसंगपो। एंड इन सियांग एंड दियांग रिवर इन उत्तर इन अरुणाचल प्रदेश। वहीं असम में, असम की लैंग्वेज में एक उन्होंने नाम रखा हुआ है, दैट इज़ ल्यूइत एंड दिलाओ। मेन जो इसका नाम आता है वो तिब्बत में, ठीक है, इट्स ट्रांस बाउंड्री रिवर विच फ्लोज थ्रू द तिब्बत इंडियन बांग्लादेश। एक और खासियत है इस रिवर की, सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे आया है, ठीक है, ये पॉइंट समझो। हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है, तिब्बत हो गया, इन सब का ये जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि एक तरीके से इन तीनों देशों को ये कनेक्ट करती है, ठीक है। सो ये आप कह सकते हैं इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री, एक तरीके से बाउंड्री क्रिएट करती है तीनों जगहों में। सो ये भी इसकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी, यू कैन कंसिडर इट एज एन स्पेशलिटी ऑफ दिस रिवर, राइट। सो अगर मैं आपसे कहूँ find out the states in which Ganga Brahmaputra basin lies, so I will give you this question in homework actually. ये आपका बच्चों होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर आप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसके ऐसी कौन कौन सी जगहें होंगी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के फ्लो में पड़ती हैं, यानी कि उनके रास्ते में कौन कौन से स्टेट्स हमारे लाई करते हैं, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन विल बी इन योर होमवर्क। अब इस जो बेसिन के आसपास का जो एरिया है वो किस तरीके से वेरी करेगा, इसके आसपास बच्चों बहुत सारी वेराइड ऑफ टॉपोग्राफी है, ठीक है, उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे द बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टॉपोग्राफी, द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल, ठीक है, इनके पॉपुलेशन बहुत ही डिफरेंट होती है। तो इसके बारे में मैं आपको क्लियरली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि आज ये आपका टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सो आई विल लीव यू ऑन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हम आपको छोड़ेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। सो आई विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर क्विज, ओके। क्विज पे डायरेक्टली हम जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द क्विज इज विच रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, दैट इज गंडक, तीस्ता, लोहित, नन ऑफ दीज। विच रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, लोहित, कोसी, गंडक, नन ऑफ दीज। हाउ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म्ड, ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा, ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, बोथ एन बी एंड नन ऑफ दीज। ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत इज नोन एज लोहित, तीस्ता, तसंगपो, नन ऑफ दीज।
हाउ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोथ एन बी या नन ऑफ दोज? डन विद द क्विज, नाउ वी विल क्विकली हैव एन आंसर्स. हम जल्दी से आंसर्स लेंगे और इस चैप्टर को समअप करेंगे, इस टॉपिक को समअप करेंगे. सो विच रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा? मैंने बच्चों आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी गंगा की ट्राइब्यूटरी में, मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए थे, गंदक, कोसी, चंबल. सो देखिए गंदक यहाँ पे है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है. तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें बच्चों याद करने वाली हैं, ये आपको देख के समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन आएंगे, राइट? सो गंदक इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? अब देखिए इसमें उल्टा दे दिया, तो अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ट्राइब्यूटरी हमारा ब्रह्मपुत्र का है. तो देखिए गंदक और कोसी मैंने आपको बताया था, दे आर ऑफ गंगाज. सो लोहित इज द आंसर दैट गिव्स द ट्रिब्यूट टू ब्रह्मपुत्र. तो दोनों के नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मैंने आपको वीडियो में करवा भी दिया है, ठीक है? आपको सिर्फ रिवाइज करना है. नेक्स्ट चलते हैं, हाउ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म्ड? अब बेसिन इसका कैसे क्रिएट होता है? ऑब्वियसली गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का बेसिन दोनों की ट्राइब्यूटरीज के बाद क्रिएट होता है, यानी कि दोनों की जो ट्राइब्यूटरीज मिलके इस बेसिन को बनाती हैं. ओके, सो ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा, ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र क्रिएट द बेसिन. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. सो ये आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत इज नोन एज, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है? दैट इज कॉल्ड तसंगपो. तो नाम याद रखना, यालुंग तसंगपो था, तसंगपो भी याद रखोगे तो चलेगा. कहाँ पे है ये? तिब्बत में, इसका नाम तसंगपो है, ठीक है? ध्यांग मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? लोहित मैंने आपको बताया था असम में है. तो इनके बच्चों नाम याद करना बहुत ज़रूरी है. चलिए, हाउ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू वेरियस पार्ट्स? हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके से डिवाइडेड है? ये सर्कल है, ठीक है? इसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस, अब इमेजिनरी मीन्स इमेजिन करी हुई लाइंस इसमें ड्रॉ करी गई हैं. कुछ लॉन्ग हैं, कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में टाइप में है, ठीक है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? जो लॉन्ग होती हैं उनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है. जो इस टाइप की होती हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड. तो बहुत ही ईजी है याद करना, पूरा लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे. सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दोनों से ही डिवाइडेड है. सो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट. तो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि जो आज पढ़ा है वही क्वेश्चन, तो आपका रिविजन क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गए, ठीक है? तो आप चैप्टर को रिवाइज करते हुए भी चलिए साथ में, सब कुछ फॉर्मेटिव वे में हो रहा है. ओके, चलिए हमने आज क्या क्या सीखा बच्चों? व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न अबाउट द स्लैश एंड बर्निंग क्रॉप पैटर्न. हमने देखा स्लैश एंड बर्निंग क्रॉप पैटर्न क्या होता है, ठीक है? इसमें किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होती है. ओके, हमने देखा लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, लाइफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की कैसी है. इसके आगे भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हम इसका कल्टीवेशन और बहुत सारी चीज़ें जो हमने आज ड्रॉप कर दी हैं क्योंकि बहुत ही लेंदी चला जाता, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन क्या थे? हाउ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस तरीके से फॉर्म होता है? तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप मुझे देंगे. ओके, मेंशन वन ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, मेंशन वन ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. ये बच्चों क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है? ये आपको नहीं करना, अगर आपको आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं. सो कल हम दोबारा मिलेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी किस टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है? उनके लिए, उन लोगों के लिए किस तरीके की जो सॉइल है वो इम्पॉर्टेंट हो गई, क्या उन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, किस तरीके से उनका लाइफ सर्वाइव हुई. सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट टुमारो. तो टिल देन इसको रिविजन करिएगा, ठीक है? कल शाम को दोबारा 5 बजे मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द सेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन टुडे. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.